तो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द हिमालयस ओके ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस. तो हमारा हिमालयन पार्ट कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है? हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है अदर कंट्रीज से और अदर कंडीशंस भी हैं जो है कभी और क्या कह सकते हैं और कुछ सिचुएशन में कुछ सब कुछ. देखो इंडिया को क्या हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द हिमालयस. हिमालयस का फॉर्मेशन ही ऐसा है कि वो इंडिया को क्या देता है? सब कॉन्टिनेंट का फीचर देता है. ए भाई हिमालयस की वजह से देखो आपने कहा कि हमको बाकी कंट्रीज से सेव करता है, वो तो ठीक है, बट जैसे ही आपको पता होगा मानसून आता है, मानसून आके पूरी बारिश इंडिया में क्यों हो जाती है? क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा. तो जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में मिल रही किसकी वजह से मिल रही है? हिमालयस की वजह से. एंड यू विल फाइंड ऑल द 11 क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया एंड ऑल दोज आर जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयस. भाई मैंने आपको वर्ल्ड में 11 क्लाइमेटिक कंडीशन बताए और इंडिया में पूरे के पूरे पाए जाते हैं 11 के 11. भाई आप 6 degree 4 minutes यू विल फाइंड द इक्वेटोरियल, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे ट्रॉपिकल, देन पोलर सॉरी सब पोलर टेम्परेट ठीक है सब पोलर देन पोलर. इस तरीके से पोलर बेसिकली पोलर जैसा पोलर तो नहीं है बट फिर भी कुछ ऐसे क्या है बहुत ठंडे इलाके हैं हमारे यहाँ, तो सारे फीचर्स तो हमें मिल रहे हैं. कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं बारिश बहुत कम होती है, तो हमें अलग अलग वेजिटेशन भी मिलते हैं. तो क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, प्रोटेक्शन हो, सब कुछ आपको किसकी वजह से मिल रहा है? ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयस. इंडिया का जितना भी फ्लोरा फौना है वो किसकी वजह से है? हिमालयस की वजह से. सॉइल भी हिमालयस की, जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयस यू विल फाइंड एवरीथिंग इन इंडिया. ठीक है, अभी जो हमको आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नदन. सो आई हैव टोल्ड यू that you have to revise your topic from the reverse. Have you done? Yes. Longer khadar. तो मैंने आपको रिवर्स के बहुत सारे स्टेज बताए थे. एक था यंग स्टेज जहां पे पानी बहुत तेज होगा, बोल्डर शोल्डर्स बहते हैं, देन फिर मैच्योर स्टेज. भाई जब यंग स्टेज होती है वहां पे सिर्फ इरोजनल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे मैच्योर स्टेज आता है तो वहाँ इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे ओल्ड स्टेज आएगा ओनली डिपोजिशनल फॉर्मेशंस होते हैं. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेशंस की बात हम रिवर्स वाले चैप्टर में कर चुके थे. बेसिकली फिर भी मैं आपको अगर बता दूं, इंडिया में अगर आप देखोगे कुछ हमारे इंडिया से इंडिया अगर हम कुछ ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा क्या है? हिमालयस. और हिमालयस से क्या है? बहुत सारी रिवर्स आती हैं. तो रिवर्स जब हिमालयस से आ रही दे आर एट वेरी यूथ स्टेज. यूथ स्टेज में आ रही तो उन्हें सब कुछ बड़ा बड़ा बहता है, बड़ा बड़ा बहेगा, बड़े पत्थर छोटे पत्थर सब बहना स्टार्ट कर देते हैं. बट क्या होगा, थोड़ी देर बाद उनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है. तो सबसे पहले डिपोजिशन भी किसका होता है? बड़े पत्थरों का ही होगा कि छोटों का होगा? बड़ों का ही होगा, क्योंकि बड़ों का वेट ज्यादा है और स्पीड जैसे ही कम होगी उनमें फोर्स कम लगेगा तो वो रुक जाएगी. तो जहां पर हमको बोल्डर्स मिलने लगते हैं, बोल्डर्स रॉक्स एंड पेबल्स, तो ये कौन सा स्टेज है? भाबर है, खादर है, बांगर है या तराई है? दिस इज योर भाबर रीजन. क्लियर, ये आपका क्या है? भाबर रीजन. भाबर के जैसे ही जस्ट आप नीचे आओगे
तो क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल मिलती है आपको कैसी हो जाती है, थोड़ी सी सैंडी टाइप की होगी, थोड़ी सी दरदरी, बहुत फाइन नहीं होगी। हाँ, एंड यू विल फाइंड सैंड एंड सिल्ट दोनों मिक्स होगा, सैंड एंड सिल्ट बोथ आर मिक्स, एंड दिस इज योर तराई रीजन। देखो जहां पे बोल्डर रॉक्स और पेबल्स हैं वहां पे रिवर्स आपको बहती दिखाई नहीं देखती है, वो पत्थरों के बीच में बहने लगती है। भाई जहां पत्थर आ गया तो पानी को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पत्थरों के बीच में जा जाकर पानी आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। फिर जब तराई वाले रीजन में, तराई वाले रीजन में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है तो एक ऐसा स्वैम्पी और मार्सी रीजन होता है। ठीक, फिर इसके बाद दो रीजन मैंने आपको बताए थे, एक इधर बताया होगा, दैट इज योर बांगर। ठीक है, बांगर दैट इज योर ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये रीजन कैसा था, यहां पे जो सॉइल है यहां पे कभी पानी रहा होगा, बट अब क्या है, अब यहां कोई भी पानी नहीं आता है। फिर दूसरा रीजन मैंने बताया था आपको, डेल्टा रीजन, याद आया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सैंडी थोड़ी सी सॉइल मिल जाती है, एल्यूवियल बेसिकली है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नदन प्लेन्स में जैसे हमें एल्यूवियल सॉइल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है। फिर जैसे आप इधर सुंदरबन डेल्टा साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सिल्ट मिलेगी, बहुत ही फाइन सिल्टी सॉइल, और ये क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है, हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर, और फ्लड भी यहां पर बहुत ज्यादा होंगे, एंड दैट इज योर खादर रीजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। क्लियर, ये आपको याद हो गया, भाबर, तराई, बांगर, बांगर एंड खादर, बांगर इज योर ओल्ड सॉइल एंड खादर इज योर न्यू सॉइल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? अब जैसे ही हम नदन प्लेन्स की बात करते हैं, नदन प्लेन्स की जो लेंथ है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3200 किलोमीटर, नदन प्लेन्स आर अबाउट 3200 किलोमीटर एंड देयर विड्थ 300 to 150 किलोमीटर्स। इनकी जो लेंथ और विड्थ की बात करें, लेंथ 3200 किलोमीटर और विड्थ अराउंड 300 टू 150 किलोमीटर्स तक होती है। और यहां पर क्या है, यहां पे एलुवियल का डिपोजिशन सबसे ज्यादा है, एलुवियल डिपोजिशन अराउंड 1000 टू 2000 मीटर ऑफ डेप्थ। क्या मिलेगा आपको, एलुवियल डिपोजिशन अप टू 1000 टू 2000 मीटर ऑफ डेप्थ। अगर आपको देखिए पूरा फॉर्मेशन पढ़ना है भाबर खादर, तो आई विल पिंग यू द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच दैट। ठीक है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ाया था उस वाले पार्ट में कवर किया हो, तो आप वहां पर देख लोगे तो आपको वहां से भी कवर हो जाएगा, तो आपको पूरा रिवर का फॉर्मेशन, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा और आप इजिली समझ जाएंगे उसको, अगर जिन्होंने पढ़ रखा वो अपने नोट से रिविजन कर लेंगे। क्लियर, अब आपको करना क्या है, नाउ यू हैव टू पुट द हेडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ नदन प्लेन। अब ये जो नदन प्लेन है इसके डिफरेंट रीजन है, और फर्स्ट हेडिंग विल बी योर भाबर रीजन। ओके, भाबर रीजन की बात करें तो इसकी लेंथ है 8 to 10 किलोमीटर्स। ठीक है, क्या है, 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू हिमालयस, लेंथ नहीं, इट इज विड्थ। ये क्या है, विड्थ है, ये क्या है, ये 8 to 10 किलोमीटर है और पैरेलल टू हिमालयस, और यहां पे हमको क्या मिलता है, वी विल फाइंड बोल्डर्स, रॉक्स एंड पेबल्स। ठीक है, हाँ होते हैं बोल्डर्स, रॉक्स एंड पेबल्स। ठीक है, और यहां पर जो आपको मैंने क्या बताया, नदियां आपको दिखेंगी या नहीं दिखेंगी,
रिवर्स डिसअपीयर्स, रिवर्स आर कैसी होती है, रिवर्स डिसअपीयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दे फ्लो बिटवीन द रॉक्स, वो पत्थरों के बीच ही बहना शुरू कर देंगे तो हमें नदियों का वॉल्यूम उतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा, बहुत हल्का हल्का पानी आपको दिखाई देता है। दिस इज योर भाभा रीजन। नेक्स्ट वन इज योर तराई रीजन। तराई रीजन की बात करें तो इसकी विड्थ है 10 टू 20 किलोमीटर। तराई रीजन कितना है, 10 से 20 किलोमीटर साउथ ऑफ भाभा रीजन एंड पैरेलल टू हिमालयस। क्या है तो क्या है, नेक्स्ट वन इज तराई रीजन। तराई रीजन क्या है, साउथ टू भाबर, भाबर के साउथ में एंड पैरेलल टू हिमालयस, हिमालयस के पैरेलल है, साउथ ऑफ भाबर एंड पैरेलल टू हिमालयस। अब यहां पे मिट्टी कैसी है, मिट्टी है सैंड एंड सिल्ट, जो हमें सॉइल यहां पे मिले दैट इज सैंड एंड सिल्ट। अब यहां पे पानी का अमाउंट पर्याप्त मात्रा में होता है तो बेसिकली ये जो कैसा इलाका है, दलदली इलाका है, जहां पे पानी का अमाउंट मिट्टी में ज्यादा हो दैट इज स्वैम्पी और मार्शी। दिस इज योर स्वैम्पी और मार्सी रीजन है। अगर पानी का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है दैट विल बी पीटी रीजन, पीट पीट पी डबल ईटी। ओके, वो कैसा रीजन होता है, पीट, पर अभी हम यहां क्या बात कर रहे हैं, मार्सी और स्वैम्पी दैट इट हैज इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, सो द रीजन इज स्वैम्पी और मार्सी। कैसा रीजन हो जाएगा, स्वैम्पी एंड मार्सी। So, अब क्या है, स्वैम्पी और मार्सी है तो यहां पे क्या होगा, द रीजन इज कंप्लीटली फिल्ड विद द एग्रीकल्चर, जो क्या होगा, जो यहां पे सूट करता होगा, द रीजन इज कंप्लीटली रिक्लेम्ड विद द एग्रीकल्चर विच सूट्स द रीजन, जो क्या होगा, जो पानी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और वो कौन कौन सा एग्रीकल्चर हो जाएगा, क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, पानी में उगने वाली क्रॉप्स, चावल, राइस, चावल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, राइस, देन जूट। जूट वैसे तो बेसिकली आपका सुंदरबन डेल्टा में, वर्ल्ड में मेजर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है, सुंदरबन डेल्टा में होती है, बट कुछ तराई रीजन्स में भी होते हैं, ईस्टर्न तराई रीजन में, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, मतलब ईस्टर्न तराई रीजन इधर वाले रीजन में क्या मिलेगा आपको, जूट कहीं कहीं ग्रो होता दिखाई देगा, और साथ में क्या है, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। ये बात समझ में आ गया, डन। ये तो क्या थे, दिस इज योर भाबर एंड तराई रीजन। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द अदर एल्यूवियल प्लेन्स, दैट इज योर बांगर एंड खर। ओके, नाउ कीप अ हेडिंग, अदर एल्यूवियल प्लेन्स। ठीक है, यू कैन टेक नोट्स। ठीक है, अदर एल्यूवियल प्लेन्स, और यहां पे आपको क्या पढ़ने, वन इज बांगर एंड अनदर इज खादर। अब बांगर और खादर ये जो दोनों के दोनों रीजन बनते हैं, दे बोथ फॉर्म जस्ट इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, बोथ फॉर्म इन मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर पे होंगे, और जब मैच्योर स्टेज होगी तो यहां इरोजनल और डिपोजिशनल कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, इरोजनल या डिपोजिशनल, दोनों हो सकते हैं, इरोजनल भी हो सकता है और डिपोजिशनल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बांगर की। बांगर हैज कोर्सर सॉइल,
कोर्सल सॉइल, कोर्सल सॉइल मतलब समझते हो, थोड़ा सा मोटा, क्या होगा बड़े पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पे मिट्टी के पार्टिकल्स कैसे होंगे, बड़े पार्टिकल होंगे, और तो यहाँ की सॉइल कैसी होगी, सैंडी। देखो एक सिल्ट होती है, एक सैंड होती है, सिल्ट और सैंड में आपको क्या महसूस होता है, सिल्ट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, और क्या है, सिल्ट क्या होगी, बिल्कुल फाइन होती है, ठीक है। और जो ये कोर्सर सॉइल है, बेसिकली इट इज योर ओल्ड सॉइल, ये भी मैंने आपको बताया था, बांगर रीजन में कैसी सॉइल होती है, थोड़ी सी दरदरी होगी, और थोड़ी सी ये कैसी है, ओल्ड सॉइल है, ठीक है, मोटी तो भाई साथ में कैसी है, हाँ। अब क्या है, अब ये जो बांगर रीजन है, ठीक है, तो कैसा, अब मैंने आपको बताया ओल्ड सॉइल है, ओल्ड सॉइल रही होगी तो यहाँ पानी आया होगा, नहीं पानी तो यहाँ आया नहीं होगा, पानी आता तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन करता और नई सॉइल लेके आता, दैट मीन्स यहाँ पे पानी नहीं आता है, एंड हैज लेस, इट इज लेस फ्लड प्रोन, लेस फ्लड प्रोन क्यों है, बिकॉज इट हैज रिलेटिवली हाई स्लोप्स, स्लोप्स कैसे यहाँ के हाई, इट हैज रिलेटिवली अब देखो हाई स्लोप्स हैं, यहां से एक चीज और समझ में आएगी, हाई स्लोप्स हैं तो पानी कैसा बहेगा, तेज बहेगा, पानी तेज बहा होगा तो क्या महीन चीजें रुकी होंगी, स्पीड तेज रही होगी, तो कैसी चीजें रुकी हैं, मोटी चीजें रुकी, वही तो लिखा है मैंने कोर्सर सॉइल यानी ग्रेनी सॉइल, ये बात समझ आ रही है, बांगर, ठीक है, दिस इज योर बांगर रीजन, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये क्या है, कोर्सर सॉइल है, लेस फ्लड प्रोन है, बिकॉज हैज हाई स्लोप्स, रिलेटिवली हाई स्लोप्स होते हैं, हाई स्लोप्स है, मिट्टी मोटी है, मिट्टी मोटी है तो क्या होगा, इसमें पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, कोर्सर सॉइल एंड इज लेस वाटर रिटेंशन है, दिस सॉइल हैज लेस वाटर रिटेंशन, अब इसमें पानी तो ज्यादा रुक नहीं सकता है, वाटर रिटेंशन कम है तो मतलब क्या होगा, यहां पे हवा ज्यादा पास होगी, द सॉइल इज एयरी, सॉइल इज कैसी है, सॉइल इज, मैंने अभी आपको एग्रीकल्चर कराया था, वर्ड एग्रीकल्चर याद होगा, वर्ड एग्रीकल्चर मैंने बताया वहां पे एयरी सॉइल पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वो क्रॉप्स होते हैं जो ड्राई रीजन में उगाए जा सकते हैं, तो जनरली ड्राई रीजन क्रॉप्स आर या ड्राई क्रॉप्स आर फॉर्म्ड इन दिस रीजन, ये बात समझ में आ गई, हेंस गुड फॉर ड्राई क्रॉप्स, बेसिकली हम क्या कहें, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब आपकी जितनी फलियां हैं, दाल चना बीन्स, ठीक है, ये सब क्या है, फलियों में होते हैं, तो क्या इनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं, जितने लेग्यूम्स उगेंगे सबके सब यही उगेंगे, देन कोर्स सीरियल्स, याद आया कोर्सर सीरियल्स, जैसे मिलेट, बाजरा, मकई, इनमें पानी का इतना अमाउंट नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो ग्रोन हियर, और कुछ भी याद है आपको, ऑयल सीड्स कहाँ उगते हैं, ड्राई में या गीले में, ऑयल सीड्स भी ड्राई रीजन में उगते हैं, भैया पानी और तेल का कभी मिला हो ही नहीं सकता, तो पानी वाली जगह पानी होगा तो तेल वाले सीड नहीं उगेंगे, देन और आपको याद होगा स्पाइसेस भी कहाँ उगते हैं, ड्राई रीजन में उगते हैं, ऑल दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन बांगर रीजन, ओके, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई समस्या, you can note it down, then we will do the khadar, so after bangar you have to do the khadar region, to khadar are lower, gentler plains are called
खादर प्लेन्स, इनको हमने क्या कहा लोअर जेंटलर प्लेन्स आर कॉल्ड खादर प्लेन्स। अब यहां पे क्या है, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कैसा होगा ज्यादा अमाउंट होगा, और यहां पे मिट्टी कैसी होगी, फाइन सिल्ट, फाइन सॉइल, फाइन सिल्टी सॉइल, यू कैन राइट फाइन सिल्टी सॉइल, पानी सिल्टी सॉइल तो ये क्या है, तो पानी का रिटेंशन क्या होगा इसका ज्यादा है, हाई वाटर रिटेंशन, हाई वाटर रिटेंशन लो परकोलेशन, परकोलेशन समझते हो, व्हाट इज परकोलेशन, दैट द पासिंग ऑफ वाटर इज लेस, सॉइल में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है उससे पास नहीं होता है, रिटेन मतलब होता है इकट्ठा होना, परकोलेशन होता है पास करना, तो पास क्या है नहीं हो रहा, वहीं रुक जा रहा है, वहीं हम जब बांगर पढ़ रहे थे बांगर में क्या था, परकोलेशन रुक ही नहीं रहा, हाई परकोलेशन है वहां, यहाँ परकोलेशन कैसा है लो है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पानी का अमाउंट ज्यादा है, लो परकोलेशन है, दैट इज फ्लड प्रोन एरिया, ये कैसा है फ्लड प्रोन एरिया, इट है, इट इज अ फ्लड प्रोन एरिया, बेसिकली क्या है, वी कैन से दैट इट इज अ वेट रीजन, कैसा रीजन है वेट रीजन है, इट है वेट रीजन, तो क्रॉप्स कैसी होंगी, वेट रीजन क्रॉप्स ग्रो हियर, यहां पे कौन सी क्रॉप ग्रो होंगी वेट रीजन, अब ये एरीनेस होगा यहां पे सॉइल में, नहीं यहां एरीनेस, नो एरीनेस, मोर वाटर, सो गुड फॉर वेट कल्टीवेशन, वेट कल्टीवेशन की मैं बात कर रहा था, कौन कौन सा, राइस जूट और शुगर केन, ये बात याद आ गया, तो दैट्स योर खादर रीजन, नेक्स्ट योर डेल्टा रीजन, ठीक है, इसी में आप क्या पढ़ते हैं डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा की बात करें, इसको आप नोट कर ले तब तक, खादर को हमने एक नाम और दिया था, कौन सा, न्यू सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल रीजन, यू कैन राइट इट, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल रीजन, नेक्स्ट इज योर डेल्टा रीजन, ठीक है, इट इज द, इट हैज द फाइनेस्ट सॉइल, अगर सबसे फाइन सॉइल हमको कहां मिलती है, वी विल फाइंड इन द डेल्टा रीजन, इट हैज फाइनेस्ट सॉइल, फाइनेस्ट सॉइल और क्या है, डेल्टा रीजन से पानी लगातार आ रहा होता है, डिपोजिशंस लगातार होते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा नई मिट्टी भी कहां होगी डेल्टा रीजन में होगी, सो द न्यूएस्ट सॉइल इज फाउंड इन डेल्टा रीजन, ठीक है, और क्या है, यहां की मिट्टी में वाटर रिटेंशन भी कैसा होता है, सबसे ज्यादा होगा, सो इट हैज हाईएस्ट वाटर रिटेंशन, देन तो फ्लड प्रोन भी क्या होगा, हाई फ्लड प्रोन रीजन, रीजन कैसा है, हाई फ्लड प्रोन रीजन है, और क्रॉप्स की बात करें तो यहां पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो होंगी, क्रॉप्स कौन सी ग्रो होंगी जो बहुत ज्यादा पानी में ग्रो हो जाए, दैट इज जूट, बेसिकली हम रीजन की बात करें तो यहां पे जो रीजन है कौन सा है, गंगा, या इसको हम एक नाम देते हैं सुंदरबन डेल्टा रीजन, सुंदरबन डेल्टा रीजन इन वेस्ट बंगाल इज मोस्ट नोन फॉर डेल्टा रीजन, ठीक है, सुंदरबन रीजन इन वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर डेल्टा रीजन, ठीक है, और यहां पे जो क्रॉप्स होंगी, क्रॉप्स कैसी होंगी,
अब पानी बहुत ज्यादा है तो क्रॉप्स होंगी लाइक जूट. वर्ल्ड का मेजर पोर्शन ऑफ जूट इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. जो सुंदरबन डेल्टा है इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू रिवर दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जूट मेजर पोर्शन ऑफ वर्ल्ड इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन. इसका क्या है, मेजर पोर्शन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में उगता है. और अगर कुछ पार्ट की हम और बात करें तो ईस्टर्न तराई रीजन में भी कुछ जूट ग्रो करता है. यह बात समझ में आ गया. अब क्या है, यहां पे क्या होता है, यहां पे वीट की थ्री क्रॉप्स हो सकती है एक सीजन में. इट कैन ग्रो थ्री अप टू थ्री क्रॉप्स ऑफ वीट इन दिस रीजन. पानी ज्यादा आता है ठीक है यहाँ पे. और वो स्पेशल टाइप ऑफ वीट है, उस वीट का नाम है अस अमन एंड ब्रो. थ्री अप टू थ्री क्रॉप्स ऑफ वीट कैन बी ग्रोन हियर एंड द नेम ऑफ द वीट इज अस अमन एंड ब्रो. अस अमन एंड ब्रो दिस इज द नेम ऑफ वीट. अप टू थ्री क्रॉप्स ऑफ वीट कैन बी ग्रोन हियर एंड द नेम ऑफ द वीट इज अस अमन एंड ब्रो. ये बात क्लियर ठीक है, ये बात समझ में आ गया. नाउ वी हैव टू डू द, जैसे हमने क्या किया था, हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजन पे किया था. वी हैव डन द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ठीक है. सो वी एज वी हैव डन द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, सिमिलरली वी हैव टू डू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ठीक है. अभी हमने नेम के अकॉर्डिंग किया था, नाउ वी हैव टू डू ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. एंड फर्स्ट वन इज पंजाब हरियाणा रीजन. बेसिकली मैं कहूं तो रीजन के हिसाब से जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है इट इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स. वो मैं बताऊंगा. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स कितने टाइप में, इन फाइव पार्ट्स में है ये पूरा. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स एंड फर्स्ट वन इज पंजाब हरियाणा रीजन या पंजाब हरियाणा प्लेन्स. पहला नाम क्या दिया है, पंजाब हरियाणा प्लेन. इसका एक्सटेंशन कहाँ है, एक्सटेंड फ्रॉम झेलम टू यमुना. एक्सटेंड फ्रॉम, अगर आप मैप अपना खोल के देखोगे, झेलम टू यमुना. जम्मू कश्मीर वाला रीजन देख रहे हो, जम्मू कश्मीर के नीचे आओगे ठीक है, ठीक है. फिर यहीं देखो पंजाब 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 ठीक है. तो पंजाब दिखा आपको, पंजाब और हरियाणा. यहीं पे देखो आपको दिखाई दे रही होगी झेलम रिवर. ठीक है, तो बेसिकली इट एक्सटेंड फ्रॉम झेलम टू यमुना एंड इट्स लेंथ इज 650 किलोमीटर एंड विड्थ इज 300 किलोमीटर. इट इज अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट ठीक है. द विड्थ इज अराउंड 300 ऑफ किलोमीटर्स ठीक है. अब देखो, अब ये जो रीजन्स बने हैं, ये जो रीजन्स बने दे आर फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू रिवर्स. दो नदियों के मिलने के कारण ये रीजन्स बनते हैं. कैसे, एक रिवर ये आई और एक रिवर ये आई, तो इनके बीच में जो रीजन है ये क्या है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स है. और ये जो रीजन बनता है बिटवीन टू रिवर्स दैट इज दो आप ठीक है, मर्जिंग ऑफ टू वाटर्स. दो पानी आपस में मिल रहे हैं, इसी वजह से ये रीजन दोआब कहलाता है. द रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ मर्जिंग ऑफ टू रिवर्स. और ऐसे पंजाब में लेकर लगभग पांच से ज्यादा ऐसे दोआब हैं ठीक है. पंजाब में क्या है, ऐसे पांच से ज्यादा दोआब हैं. और पांच दोआब होने के कारण इसका क्या नाम रखा गया,
पंजाब, ठीक है, ड्यू टू सच फाइव द्वाब्स इट इज नेम्ड एज पंजाब प्लेन्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। Hence you can write, hence the five river region the region of five rivers formed is called Punjab, the region of five rivers is called Punjab, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई समस्या है यहां पर? तो क्या है, इट इज फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जिंग ऑफ टू रिवर्स दैट इज दोआब, ठीक है। और ऐसे क्या है, पांच नदियों के मिलने से जो रीजन बना है दैट इज पंजाब, वहां पे क्या है एक के बाद एक ऐसे पांच दोआब हैं, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ अ मैप, इसको अगर हम मैप के थ्रू देखें, हाँ दो आप बता दे रहा हूं, ठीक है। बेसिकली अगर आप ऐसे मैप देखो तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी यहां पे इंडस रिवर ऊपर, देखिए इंडस रिवर दिखी, इंडस के बाद अगली रिवर दिखाई देगी झेलम, कुछ ऐसे आ रही होगी। इंडस के बाद क्या दिखा, झेलम मिली, ठीक है। आफ्टर झेलम यू विल फाइंड चेनाब, ठीक है, चेनाब ऐसे मिल रही यहां पर, ठीक है। तो क्या है, इंडस झेलम चेनाब, ठीक है। अब देखो इंडस और झेलम जहां पे मिल रहे हैं ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक दोआब रीजन है, एंड दिस इज नोन एज सिंध सागर दोआब, प्लेन्स की बात कर रहे हैं, प्लेन्स, ठीक है। ये क्या है, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब ये किसके किसके मिलने से बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस एंड झेलम। अब इसका मेजर पोर्शन आज की डेट में प्रेजेंट है पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं। फिर अगला जो आपका दोआब बन रहा है किसके किसके मिलने से बना है, झेलम एंड चेनाब, झेलम और चेनाब के मिलने से बना है, दैट इज नोन एज छज दोआब, छज दोआब, जस्ट बिकॉज ऑफ झेलम एंड चेनाब। ये बात समझ में आ रही है। फिर अगली रिवर है दैट इज योर रावी, ठीक है। रावी किससे बनाएगी, चेनाब से, रावी और चेनाब, एंड इट विल फॉर्म रिचना दोआब, इट विल फॉर्म रिचना दोआब। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, रिचना दोआब रीजन है। फिर रावी के साथ कौन बनाती है, रावी के साथ बनाती है बियास, रावी के साथ बियास बनाएगी, दैट इज योर बारी दोआब, ऐसे जाती है पैरेलल, ये रीजन पूरा क्या है, इट इज योर बारी दोआब, किसके साथ मिलकर बना रही है, बियास, क्लियर। ये बात समझ में आ गया। देन इसके बाद एक बड़ी सी एक और नदी निकलती है सतलज, ठीक है। तो ब्यास और सतलुज का बनता है, बट ध्यान रहे ब्यास और सतलुज दोनों के दोनों इंडिया में ही मर्ज कर जाते हैं, इसीलिए क्या है सतलज जो है बड़ी रिवर है, तो ऐसा भी कहते हैं ये जो पांच नदियां हैं ये पांचों की पांचों इंडस रिवर सिस्टम में आती है, बीस इज द ओनली इंडियन रिवर दैट इट डज नॉट फ्लो टू पाकिस्तान बिकॉज इट मर्जेस विद द सतलज एंड सतलज इज द बिगर वन, और जब बड़े के साथ छोटा मिल जाए तो छोटे को कोई नहीं गिनता। तो नेक्स्ट रिवर इज सतलज रिवर, और सतलज के साथ कौन बना रहा है, ब्यास बना रहा है, एंड दैट इज योर बिस्ट दोआब, ये क्या आपका बिस्ट दोआब है,
और बिष्ट दो आप अब यहां पे क्या है, जलंधर रीजन भी आपका यही पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज जलंधर दुआब। ठीक, इसको हम किस नाम से जानते हैं, जलंधर दुआब। ये जो आपका बारी दुआब है, बारी दुआब के अंदर ही आपका अमृतसर पड़ता है। अमृतसर किसमें आएगा, बारी दुआब में, अमृतसर इज इन बारी दुआब। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है और सतलज के नीचे का जितना भी रीजन है इसको बोलते हैं मालवा प्लेन्स। ठीक है, सतलज के नीचे का जो रीजन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज मालवा प्लेन्स। इट इज नोन एज मालवा प्लेन्स, या इसी को हम बोलते हैं मालवा कल्चरल रीजन। क्या बोला जाता है, मालवा कल्चरल रीजन। ये बात समझ आ गई, ये बिष्ट दुआब है, यहाँ पे बेसिकली थ्री कल्चर्स होते हैं अलग अलग। ये आपका क्या है, मालवा कल्चरल रीजन, और जब ये बिष्ट दुआब है दिस इज नोन एज दुआबा कल्चर, दुआबा। हाँ, एक कल्चर है अलग अलग। देखो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में दो नदियों के पार, नदियों पार करना आसान नहीं होता है, और दो नदियों के पार अलग अलग कल्चर्स होते हैं। अक्सर आप सुनते हो गंगा, वो हमको गंगा पारी कहते हैं, हम उनको गंगा पारी कहेंगे। सबका अलग अलग है भाई, जो गंगा किनारे रहे वो गंगा पारी कहेगा, फिर जैसे हम इधर जाएंगे तो उखराया साइड अपने मिलता है इधर यमुना पार, वो कहेंगे वो यमुना पारी है, हम उनको कहते हैं यमुना पारी। तो ये रीजन मिलता है ना। तो बेसिकली होता क्या कि जब रिवर जहां बीच में आ जाए तो रिवर के दोनों साइड दो अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिला, एक मालवा कल्चरल रीजन, देन दुआबा, देन बारी में पड़ता है माजा कल्चरल रीजन, माजा कल्चरल रीजन। ये थ्री कल्चर रीजन ऑफ थ्री कल्चर्स इसे ही कहा जाता है, माजा कल्चरल रीजन। अब देखो ये जो आपका पंजाब रीजन है, पंजाब रीजन में क्या है, सबसे ज्यादा इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो सबसे ज्यादा कहां पे फायदा हुआ, पंजाब में, पंजाब में हुआ। पंजाब के साथ क्या है, पंजाब में पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज भी सबसे ज्यादा होता है। पंजाब में पेस्टिसाइड्स का यूज तो ज्यादा होता है, लेकिन उससे भी जितना पूरे पंजाब में होता है उसका जस्ट डबल कहां होता है, मालवा प्लेन्स में, मालवा प्लेन्स में। ठीक है, जो सतलज के नीचे का एरिया है, पंजाब में ही सतलज का नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम, दैट दिस रीजन इज नोन एज कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हर दूसरे घर में आदमी कैंसर से पीड़ित है, पंजाब के नीचे का। हाँ, पंजाब, पंजाब में सतलज नदी दिख रही है, उसके नीचे का जितना रीजन है वो क्या है, कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वहां क्या होगा, पेस्टिसाइड पूरे पानी में डिजोल्व हो गया, वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, वही पानी आप पी रहे हैं, तो क्या है वहां पे कैंसर बहुत ज्यादा। वहां पे एक ट्रेन भी जाती है, उसका नाम नहीं है लेकिन उसको लोग कैंसर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मालवा जो प्लेन्स है इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, फ्रॉम हियर वी हैव कंप्लीटेड। अगर थोड़ा बहुत और बचा है, बेसिकली है क्या, आई ट्राई टू कवर द रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जस्ट फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस। जब हम एग्रीकल्चर पढ़े तो हमको बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू फर्दर फॉर टूडे, दैट्स ऑल।